ठहरा रहा, जमी चलने लगी। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज 24 तारीख है ना, अभी हमें चांडिल डैम में देख सकते हो। सो चांडिल डैम में आज इनॉग्रेशन है हमारे कैंप का, तो आपको इनॉग्रेशन भी दिखाएंगे एंड सभी टीममेट से मिलाएंगे, रूप कोर्स के एंड वाटर स्पोर्ट के एंड एयर स्पोर्ट के जो भी टीममेट्स है सभी से आपको मिलवाएंगे इस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो ब्लॉग पे बने रहिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो भी सेटअप वटअप का काम था, डेकोरेशन का काम था, सभी हो चुका है। तो चलिए आपको एक बार पूरा डेकोरेशन दिखाते हैं एंड सेटअप दिखाते हैं यहाँ का। गाइज, आपको दिखा दिए पूरा चांडिल डैम का डेकोरेशन एंड अभी हम जा रहे हैं स्टेज पे। तो चलिए आपके साथ चलते हैं एंड वहाँ पे इनॉग्रेशन होगा, सो आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। One hour later. Ultimate destination for adventure activity. झारखंड, हरियाली की चादर ओढ़े वन की धरती झारखंड, सौंदर्य और समृद्धि लपेटती झारखंड, हमारी अपनी प्रकृति का एक सुंदर नाम झारखंड। पर्यटन निदेशालय झारखंड सरकार की तरफ से पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है। इस टीम के तमाम वॉलंटियर्स, समय के साथ होने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि चीजें होती जाएं, बढ़ती जाएं, चलती जाएं। थैंक यू सर। सो ये देख सकते हो, रिबन कट हो चुका है। रिबन कट होने के बाद सभी VIPs लोग राइड करते हैं वाटर स्पोर्ट के, उसके बाद जाते हैं पैरासेलिंग एरिया में एंड पैरासेलिंग का राइड करते हैं और ATV का राइड करते हैं। सो गाइज, यहाँ का राइड आपने देख लिया। चलिए अब आपको पैरासेलिंग का राइड दिखाते हैं, वो भी ड्रोन व्यू में। A few moments later. सो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पैरासेलिंग हो रहा है एंड पैरासेलिंग डैम से कुछ दूरी पे कराया जाता है, क्योंकि डैम के पास ऐसा एरिया नहीं होता है जहाँ पे पैरासेलिंग हो सके एंड जिस डैम में एरिया होता है वहाँ पे डैम के पास ही कराया जाता है। इस डैम के पास पैरासेलिंग का एरिया नहीं होता, इसलिए कुछ दूर पे ही कराया जाता है। ये है संयुक्ता दी के मम्मी एंड पापा, अंकल आंटी। सो ये बहुत ही अच्छे पेरेंट्स है, मतलब इनके जैसा कोई नहीं होगा। हर संडे में संयुक्ता दी के हेल्प करने आते हैं। सो अभी ये जा रहे हैं हमारे बेटे, हाँ तो अभी जा रहे हैं, तो इनको बाय करते हैं एंड आपको और भी लोग से मिलवाते हैं आगे। इनॉग्रेशन खत्म हो चुका है एंड सभी VIP लोग जा चुके हैं एंड यहाँ पे अभी कुछ वाटर स्पोर्ट्स के टीम मौजूद है, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो ये देख सकते हो गाइस, ये है वाटर स्पोर्ट के टीम। आपका नाम? इनका नाम HP सनील है एंड आपका नाम? हाँ, और आपका नाम? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, ये नाम बोलिए। इनका नाम राजू है एंड ये जेट स्की चलाते हैं एंड आप क्या करते हैं बता दीजिए? सर्फिंग बोर्ड में रहते हैं। और आप? मैनेजमेंट करते हैं वाटर स्पोर्ट टीम की। हाँ, मैनेजमेंट करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनन्या है। आप क्या कराते हैं यहाँ पे? नाम? अभी वाटर स्पोर्ट से है ना। आपका नाम? प्रेम शिक्षक है। आप क्या कराते हैं यहाँ? रिंगो राइड का ऑपरेटर है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी लोग हैं और इधर देखिए फोटो शूट हो रहा है। संयुक्ता दी देख सकते हो इधर है और एक दीदी इधर है। आपका नाम? आपका नाम मिल गया, संचिता कुंडे। हाँ, आप क्या कराते हैं? बनाना राइड कराते हैं। तो देख सकते हो अभी यहाँ पे बुके लेके फोटो शूट हो रहे हैं सबको यहाँ पे एंड बाकी टीम सब
सब अपने अपने टेंट में, क्योंकि बारिश हो रहा है, देख सकते हो मौसम कितना अच्छा है उधर। ये देखिए, जिंदगी में कभी भी कोई लड़का नहीं दिया तो मैं कुछ रहा हूँ। चांद ढलने लगा, जमी चलने लगी। Two hours later. The next day. So hey guys, आज है दूसरा दिन एंड सुबह के 7 बज रहे हैं एंड अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे टिकट बांटने एंड देख सकते हो आज का मेरा ड्रेस कोड। सो कल व्हाइट था एंड आज देख सकते हो ये कलर है।